शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिजोदा गांव की एक विवाहित महिला ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन महिला को पोहरी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा परीक्षण के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान मृतिका का पोस्टमार्टम कराकर लाश को वापस गाँव ससुराल के लोग ले जा रहे थे। इसी दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। तभी मृतिका के परिजन पोहरी पहुंच गए और मृतिका रचना की लाश को थाने के सामने रखकर हंगामा करने लगे। जब ज्यादा हंगामा हुआ तो पोहरी एसडीओपी द्वारा आसपास का अन्य थानों के पुलिस को भी बुलाना पड़ा। वहीं मृतिका के परिजनों ने बताया कि रचना की 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उसके कई संतान नहीं होने से जिसके चलते रचना के ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी प्रताड़ना के चलते रचना को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है या उसकी हत्या की गई है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और पुलिस ने मृतिका रचना के परिजनों की ओर से ससुराल वालों के 5 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। डेड बॉडी है ना वो, कल कटना कटे तो इसकी ये कौन है? महिला की हत्या की गई, क्या मामला है, क्यों हत्या की गई? नहीं, ये नवव्यता है, रिजोदा गांव के रहने वाले थे, ससुराल गांव का, वहां उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई थी। चूंकि मामला नवव्यता था तो उनके परिजनों के कथन के आधार पर उनके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के विरुद्ध 304B 306 का अपराध 5 आरोपियों के विरुद्ध किया गया है।
सर इसमें कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या अभी? नहीं अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अभी मामला अभी जस्ट कायम किया गया है, अब इसके गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। सर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ की गई है इस तरह से मामला? तोड़फोड़ तो नहीं की है, लेकिन जब निर्भयता है कि उनकी डेड बॉडी को उनके गृहग्राम ले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ परिवार के दूरस्थ लोगों ने गाड़ी रोक के कुछ हंगामा किया या गाली गलौज किया, ऐसी खबर बताई गई है जिसकी तस्दीक की जाती है।